हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। तो आज हम करने वाले हैं दिवाली की डीप क्लीनिंग इस कमरे की। तो इस रूम से मैं शुरू कर रही हूं डीप क्लीनिंग, मतलब जो दिवाली पे जो डीप क्लीनिंग होती है वो मम्मी जैसी मैं नहीं कर सकती हूँ जैसी मेरी मम्मी करती है, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है। बट मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से क्लीन करने की देखूंगी। और सामान यहाँ पे रखा हो क्योंकि मैंने इन्हें शाम को दिखाया था कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि काम बहुत सारा है। तो फटाफट मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं बेड को ठीक करूँगी, मतलब बेड को ठीक नहीं करूँगी, बेड का सारा सामान बाहर निकालूंगी। तो तकिए बाहर मशीन पे रख दूंगी और ये जो चीकू की गुदड़ी है इसको मैं बाहर तार पे सुखा दूंगी। और बेडशीट जो है इसको मैं तय करके रख दूंगी ताकि जब जब सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से बिछा दूंगी, क्योंकि मैंने कल ही से धुली हुई बिछाया था। और वहाँ पे बीच में आप एक स्पॉट देख रहे हो, चीकू की सुसू का है, उसने रात को की थी, इसलिए क्योंकि छोटा बच्चा है वो रात को करता है बेड के ऊपर ही, इसीलिए मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर इसके ऊपर बिछाती हूँ, जो कि मैंने कल धो दिया था। आज सारा काम वाम करके बिछाऊंगी। तो इसको मैंने बाहर रख दिया है धूप में कि जितने मेरा काम होगा इतने से धूप में रहने दूंगी गद्दे को। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत स्मेल भी होगी तो वो निकल जाएगी। तो अब सबसे पहले बेड के ऊपर जो ये तकत हैं इनके ऊपर जो ये पन्नियाँ हैं इनको रख दूंगी। और यहाँ से मुझे मिले 10 रुपये, और जब हमें कहीं से 1 रुपये भी मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे हो, बट ये जो कभी कभी मिलने वाले होते हैं ना अचानक से, तो इनसे ना बहुत खुशी होती है। तो ये सारी पन्नी जो है इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी और अभी एक जगह रख दूँगी, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम गद्दे के नीचे से पन्नी रख भी देते हैं और यहाँ से निकाल भी लेते हैं। और ये सारे कपड़े हैं प्रेस के, इनके और मेरे, इनको भी मैंने बाहर रख दिया है। और झूले उतार लिए हैं मैंने, और सारे ये टेडी बियर, क्योंकि इनको मैं वॉश करूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे इनको दोबारा से रखूँगी। और अब मैं आ गई हूँ जाल वाले पोर्शन में, क्योंकि जाल और कमरा इन दोनों को मैं आज कर दूँगी कि पीछे पीछे की जो सफाई है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे ना ये बहुत ना सी वो सफ़ेदी जो होती है ना वो झड़ती है, क्योंकि जाल से बारिश आती है तो इस दीवार पे ना बारिश का पानी लगता है इसलिए। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे दीवारें साफ कर लूँगी और जो भी जाले हैं उनको हटा लूँगी। और ना झाड़ू से ही जो छत है ना वो मेरे हाथ आ जाती है, क्योंकि बहुत नीचे नीचे सी दीवारें हैं इसलिए, मतलब नीचे छत है इसलिए। तो यहाँ पे पूरी दीवारों पे मैं अच्छे से जो है झाड़ू मार लूँगी हर जगह, जंगलों पे भी, क्योंकि मुझे अभी इन्हें पोंछना भी है, बट यूँ ना हल्की हल्की सी धूल निकल जाए। और दीवारों पे ना पता नहीं कहाँ से धूल सी आ ही जाती है। तो जाल जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ कमरे में और सबसे पहले मैं ये पर्दा झड़काऊँगी। तो मैंने यहाँ पे इस पर्दे को अच्छे से झड़का लिया है ताकि इसके अंदर जो भी धूल है वो निकल जाए। पर्दे मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पर्दे लगाए हैं, महीना भर भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने सारी दीवारें झाड़ ली हैं इस तरीके से कि एक भी दीवार बचे ना, सारी दीवार पे एक बार झाड़ू लग जाए कि हल्की हल्की से जो दीवार पर धूल चढ़ी होती है वो उतर जाएगी सारी। तो पूरे कमरे की सारी दीवारें मैंने झाड़ ली हैं। और अब मैं सबसे पहले ना पंखा साफ करूँगी, बहुत दिन हो गए पंखा साफ करे और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। और यहाँ पे मैं तकत के ऊपर मैंने काउच रखा है और काउच के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों पोंछे ले लिए हैं, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। तो एक बार मैं इसे गीले पोंछे से साफ करूँगी और एक बार मैं इसको साफ करूँगी सूखे पोंछे से, ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाए अच्छे से ऊपर नीचे से, जितना मतलब मेरे हाथ आ रहा है ना, मैं अपनी तरफ से ना इसको क्लीन करने में ना अपना 100% दे रही हूँ। बट ये जो ऊपर ये गोल गोल लगा हुआ है ना वो मेरे हाथ नहीं आ रहा, तो बस जितना मुझसे हो सका मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ये जो पाइप हैं इसकी पर्दों की इनको भी पोंछ लूँगी। और जंगले अभी पहले मैं बाहर से साफ़ करूँगी उसके बाद करूँगी, यहाँ पे तो बस जो कोनों में हल्के फुल्के जाले लगे हैं वो कर रही हूँ। तो ना ऊपर से मैंने सब कुछ झाड़ दिया है, मैं सबसे पहले झाड़ू निकालूंगी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट है। और जब मैं बाद में क्लीनिंग करूँगी और बाद में झाड़ू निकालूंगी तो सारे डस्ट चढ़ जाएगी इन सब पे, तो पहले झाड़ू निकाल लेते हैं।
तो झाड़ू निकालने के बाद अब मैं सबसे पहले ये जो अलमारी है वुड वाली, इन सब का सामान बाहर निकालूंगी, पूरी अलमारी को पोंछूंगी और दोबारा से जो है इसके अंदर सामान दोबारा से रखूंगी। और यहाँ पे काफ़ी किचन का सामान रखा हुआ है तो उनको भी मैं निकाल के किचन में रखूंगी या फिर थोड़ा बहुत यहाँ रखूंगी, पर कुछ मुझे किचन में भी रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ का सारा सामान निकाल दिया है और इसमें सिर्फ जूते चप्पल हैं इन डब्बों के अंदर। एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने ना बहुत संभाल के रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। जब लगन लेके जाते हैं ना लड़कियां, जैसे मेरी शादी में तो मेरा लगन लेकर गए थे इनके घर, तो इन्होंने ये मेरे लिए भेजा था गिफ्ट। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अरे मैं इसको लगाती भी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि तो मैंने इसको जल्दी से लगाती भी नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये टूट ना जाए, और इसे तोड़ना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो इस तरीके से इसके अंदर लाइट है और ये इसके अंदर इस तरीके से डल जाता है और ऊपर ये लगती है ऐसे। मैं आपको इसे ऑन करके दिखाती हूँ, बंद हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था लगन पर, मेरे भाई के हाथ इन्होंने भिजवाया था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी लाइट बहुत ही ज्यादा। तो मैंने इसे थोड़े दिन लगाया था, फिर मैंने इसे रख दिया क्योंकि कांच की है टूट जाए। और अभी इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि चीकू छोटा है, मान लो किसी चीज पर रखा और उसने हिला दिया टूट गई तो फिर नहीं, मैं इसको तोड़ना नहीं चाहती। बहुत ज्यादा मुझे पसंद है ये, बहुत ही ज्यादा। तो सफाई करते करते कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई, तो मैं इसे अभी रख देती हूँ और क्लीनिंग कर लेती हूँ, बातें बहुत हो गई हैं। और यहाँ पे भी मैं काउच के ऊपर खड़ी हूँ, बट जितना मेरे ये हाथ आ रही है अलमारी ऊपर तक, वहाँ तक मैं गीले और सूखे कपड़े से इन्हें पोंछ लूँगी अच्छे से, एक बार गीले कपड़े से, क्योंकि ना बेशक बंद हो फिर भी हल्के से जाले लग ही जाते हैं। और ये वाली सैंडल भी मुझे इन्होंने ही दिलवाई थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये गिफ्ट की थी आप ये कह सकते हो, बट इनकी इतनी ज्यादा हील है कि ये इन्होंने दे तो दी, मतलब दिलवा तो दी, बट अभी मुझे इन्हें पहनने नहीं देते क्योंकि इन्हें पहन के ना मैं इनसे थोड़ी सी ऊंची हो जाती हूँ, तो ये मुझे नहीं पहनने देते। वो कहते इतनी ज्यादा हिल है, मुझे डर लगता है कि तू गिर जाएगी, तो फिर जब डर लग रहा है तो फिर दिलवाई क्यों। तो मैंने इन्हें सिर्फ एक बार पहना है, सिर्फ एक बार, 3 साल हो गए इन्हें लिए हुए, तो ये मुझे इन्होंने ही दिलवाई थी। और यहाँ पे ना मैंने इसमें ना बहुत सारा किचन का सामान रखा हुआ था, जैसे ये, तो मैं आधा तो मैं अंदर रख दूंगी बट कुछ यहीं पे रख देती हूँ। ये कुछ माइक्रोवेव के हैं बर्तन। तो इस अलमारी का जो भी सामान था वो सारा सामान जो है मैंने दोबारा से पोंछ पोंछ के इसके अंदर दोबारा रख दिया है सारा सामान। और ये कुछ बोतल है, इनको भी मैं इसी के अंदर रखूंगी क्योंकि काम आती रहती हैं। तो वो कुछ सूट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको देख रहे हो, तो मैं इसके ऊपर एक अलग ही ब्लॉग बना दूंगी, क्योंकि अब मैं घर गई थी तो मैं अपने लिए सूट वगैरह लेकर आई थी, तो इन्हें सबसे पहले मैं यहाँ लेकर रखती हूँ। जो नीचे वाली अलमारी है इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है दोनों पोर्शन से सामान निकाल कर, और सबसे नीचे मैं रख रही हूँ कपड़े, जो मेरे नए कपड़े हैं जिनको मैंने सीला भी नहीं है, और चीकू के भी जो नए कपड़े हैं वो मैं यहीं पे रखूँगी क्योंकि इसके कबर्ड में अभी इसके जो हैं गर्म कपड़े भी रखे जाएंगे तो उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बचने वाली है। तो जो बॉक्स वाले कपड़े हैं उनको मैं जहाँ पर मैंने नीचे रखे हैं वहीं रखूँगी, और ऊपर मैंने सारे जो इनकी स्वेटर वगैरह हैं उनको तय बना के रख दिया है, इनकी स्वेटर भी मेरी स्वेटर भी, बट अभी सारी मैं घर से नहीं लाई हूँ, सिर्फ कुछ ही लेकर आई हूँ। और नीचे वाले पोर्शन में एक साइड में है मेरे कपड़े और एक साइड में है बेडशीट, गर्म बेडशीट और ये कॉटन की बेडशीट, ये सब कुछ। और ये देखिए मैंने दूसरी भी जो साइड में जो अलमारी थी उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और कुछ सामान उस अलमारी से इसमें शिफ्ट कर दिया है किचन का, क्योंकि ये एक ही अलमारी मैंने पूरी किचन की रखी है, और उससे नीचे जिसमें मैंने थोड़े से अपने कड़े, थोड़ा सा डेली यूज़ का जो सामान रखा है मेकअप से रिलेटेड या बॉडी केयर से रिलेटेड, वो भी मैंने अच्छे से सारा सामान निकाल कर और दोबारा से यहाँ पर अच्छे से जचा दिया है।
यहाँ पे मैं चीकू की जो अलमीरा है वो सेट करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं घर से जो कपड़े लेकर आई थी इसके गर्म, उनमें ना ये टोपे भी थे जो हाथ के बनाए होते हैं कॉटन के कपड़े के। ये ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं बच्चों को। तो मैं ये इसको पहना पहना के देख रही थी कि इसको कौन सा सही आ रहा है और कौन सा इसको छोटा है। तो जो छोटे हैं वो मैं मेरे भतीजे के लिए दे दूंगी। और ना यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको पहना रही हूँ, इसको झटका आ जाएगा गर्दन में। नहीं, मैंने यहाँ पे ना स्पीड तेज की हुई है इसकी वीडियो की, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पहना रही हूँ। नहीं, मैं बहुत आराम आराम से इसको पहना रही हूँ, बट ये ऐसा देखने में लग रहा है स्पीड ज़्यादा करने की वजह से। और ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, मैंने इसके बहुत सारे टोपे सिलवाए हुए थे। तो मैं इसको सारे एक एक करके पहना के देखूंगी कि जो जो इसको सही आएंगे वो मैं इसके लिए रख लूँगी। और कई तरीके के हैं, कोई किसी तरीके की सिलाई का है और कोई किसी तरीके की सिलाई का है। जो अभी मैंने रेड पहनाया था वो बहुत सुंदर भी लग रहा था इसके ऊपर। और ये लोअर और एक ये और एक ही टी शर्ट, ये चीकू की माँ जी लेकर आई थी, मतलब चीकू की जो दादी है ना, वो अभी मैं दशहरे में गई थी तो उन्होंने दिए थे। हाँ आ जा, तो बस मैंने बस इसकी अलमारी जो है अच्छे से साफ कर दी है। और आप ये देखिए, ये तो इसके अभी आधे भी कपड़े नहीं आए और ये इसकी अलमारी फुल भर गई है। तो इसके अंदर नए कपड़े तो रखने की कोई जगह थी ही नहीं। तो अब मैंने सब कुछ जो है साफ कर दिया है, अब मैं यहाँ से लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू निकालने के बाद जो हल्की फुल्की डस्टिंग बची हुई है मैं वो करूँगी, क्योंकि झाड़ू निकालने के बाद जो धूल उठती वो हर चीज़ पर लग जाती। तो जैसे कबर्ड थी, चीकू की अलमीरा थी, इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब धूल उठने का काम होगा नहीं। तो मैं अभी जंगले पहुँचूँगी, टीवी पहुँचूँगी, इन सबको साफ करूँगी, क्योंकि अब मुझे झाड़ू नहीं निकालने। अब मैं सीधा जो है अंदर अंदर का पोर्शन धोऊंगी। तो सबसे पहले मैं जाल में आ गई हूँ, जाल के साइड वाला जो ये विंडो है इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। पोचे से ही साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि जंगले ही हैं ये, तो अच्छे से, मतलब इनमें ना पता नहीं कहाँ से बहुत सारी धूल आ जाती है। चाहे आप इन्हें डेली क्लीन कर लो, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, बट आज मैं इनको अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ कि सारे कोनों से कोई जाला वाला ना लगा रहे। और दोनों साइड से क्लीन कर रही हूँ, अंदर की साइड से अलग से क्लीन करूँगी और बाहर की साइड से इनको मैं अलग से क्लीन करूँगी। तो जंगला साफ़ करने के बाद जो ये दरवाजे के ऊपर ये रोशनदान होते हैं ना, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये ना खुला रहता है क्योंकि इससे डिस्क की डोरी आ रही है, बट मैंने इसको कैसे तैसे करके बंद कर दिया, बस डिस्क खराब ना हो। तो इन्हें भी मैंने पोंछ लिया है और अब मैं दरवाजों को भी अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और ये देखो चीकू को, मैं इसको चम्मच से दही खिला रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा, ना खुद चम्मच से खा रहा है ना मुझे चम्मच से खुद को खिलाने दे रहा है। ये देखो चीकू जो है दही खा रहा है और मैं इसको चम्मच से खिला रही हूँ, तो चम्मच से नहीं खा रहा बिल्कुल भी, ना खुद से खा रहा है चम्मच से ना मुझे खिलाने दे रहा है। इस तरीके से देखो हाथों से खा रहा है, इसने क्या अपना हाल बना लिया है। दो बार टी शर्ट पहना चुकी हूँ, उतरवा लेता है, रोता है, उतरवा लेता है, खुद ऊपर करने लग जाता है। तो इसकी हालत देखो जरा, कोई एक तो पहले ही काम नहीं हुआ है और इसने एक नया ही, क्या है ये बुबू है, ये बुबू है, ये पी लो यार। अरे मेरा काना छोटा सा चीकू, चीकू, ओहो मम मम हो गया। बस अब मैं इसको नहलाऊंगी थोड़ी सी देर में। और ये देखिए, मैंने ना सारी सफाई कर ली है इस कमरे की, बिल्कुल टोटल जो सब चीज मैंने पोंछ दी है, दरवाजे, जंगले, ये सब कुछ, यहां से सब कुछ। इसकी सुन लो पहले, बस अब मेरे को बेड पे गद्दे लाके बिछाने हैं, चादर बिछानी है, और यहां से मैं अंदर अंदर का धोऊंगी, इस साइड का नहीं धोऊंगी, सिर्फ अंदर अंदर का। हट जा चीकू, मैं इधर पिटाई लगा दूंगी, हट जा, नीचे उतर, नीचे उतर जा, नीचे उतर, नीचे उतर जा।
तो ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये भी अच्छे से सूख चुका है, और चीकू ना बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। इसको कितना ही बोलो कि बेटा हट जा, नहीं, कभी यहाँ कूद के जा रहा है, कभी वहाँ कूद के जा रहा है। कपड़े तो ये पहनने का नाम नहीं ले रहा। मैं इसको 2 बार टी-शर्ट पहना चुकी हूँ और ऊपर कर करके निकलवा लेता है, मानता ही नहीं है, रोता है ज़ोर ज़ोर से अगर नहीं निकालूँ तो। और मुझे मेरा काम भी करना है, तो फिर मैंने निकाल ही दी कि ठीक है भाई तू निकलवा ले, पर मुझे मेरा काम करने दे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी बिछा दी है और मेरा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे जो तकिए वकिए, और इसे चीकू ना भाई बोलता है, इस टैडी को कहेगा मम्मा भाई भाई। तो यहाँ पे बस मैंने तकिए वकिए बिछा दिए हैं, और बाहर जो कपड़े थे वो भी मैंने ला के कूलर पे रख दिए हैं, और जो पन्नी थी उनको मैंने दोबारा गद्दे के नीचे रख दिया, क्योंकि इनकी ज़रूरत जो है पड़ती ही रहती है। अब नीचे का सारा सामान जो मैं उठा के ऊपर रख सकती हूँ, उन्हें ऊपर रख दूंगी। तो अभी बज रहा है 1, और चीकू को जस्ट मैंने अभी नहलाकर सुलाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। और सफाई सारी हो चुकी है, मतलब कमरे की हो चुकी है, किचन की, और जो बीच वाला पोर्शन है इसमें मैंने बहुत नॉर्मल सी सफाई करी थी। और जो कमरा है वो मैंने धो दिया है, कमरा धो दिया है, यहाँ से ये जो जाल है ये सारा मैंने धो दिया है। अब सिर्फ मुझे पोछा लगाना है, और कुछ कपड़े हैं, कपड़े नहीं है, मतलब जो टेडी बियर थे, झूला था, उन सबको मुझे धोना है। तो अब मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाते टाइम मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी। और धोते टाइम भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने फ़ोन चीकू को दे दिया था ताकि वो देख ले। अगर मैं उसे फ़ोन नहीं देती तो पानी ठंडा था, रोज़ ठंडे ठंडे पानी में भीगता तो वो बीमार हो जाता। तो धोते हुए भी कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बाहर से भी धो दिया है। और ये मैंने बाहर निकाल दी थी, क्योंकि कपड़े की है ना तो ये गीली हो जाती। तो अब मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो पोछा मैंने लगा लिया है, बट मैं नहाई नहीं, क्योंकि पानी खत्म हो गया। सिर्फ 1 बाल्टी पानी था जिससे मैंने पोछा लगा लिया, मतलब 2 बार में लेके, आधा एक बार लेके आधा एक बार लेकर। और जो टेडी बियर थे, जो झूले थे, झूले मैंने धो दिए थे, टेडी बियर को मैंने सर्फ में गला दिया था, और उसके बाद हो गया पानी खत्म। तो मैं नहीं नहाई हूँ, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया था, चीकू को खिला दिया था, सुबह ही खाया था। और अभी टाइम हो रहा है 2:40, 2:40 हो रहे हैं। तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और सुबह की जो रोटी रखी थी उन्हीं को तो अभी टाइम हो रहा है शाम मैंने का, और मैंने कि खाने में कपड़ों पर प्रेस करी है, खाने का मेरे कपड़ों मेरा पर बिल्कुल भी जो है, क्योंकि मन ऑफिस नहीं जाना होता है, पहले खाना खाऊंगी और अब पानी आएगा 5 बजे, तो मेरी हिम्मत पानी प्रेस करने की, बट फिर भी मैंने इनके सारे कपड़ों पर प्रेस कर दिए कि अब 2-3 दिन सफाई चलेगी। तो मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये प्रेस करके दे, वो प्रेस करके दे। और यहाँ पर ये कोई बर्तन नहीं धो रहे हैं, ये सिर्फ अपना मग्घा धो रहे हैं जिसमें इन्होंने दूध पिया था। और मेरे ना हाथ पैरों में बहुत तेज़ दर्द है, बुखार जैसा शरीर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 गोली ले रही हूँ, एक बुखार की और एक शरीर दर्द की। तो आज पूरा दिन हो गया है काम करते 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 करते, और मेरे पैरों में ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने दवाई ली है ताकि मुझे बुखार ना हो, क्योंकि शरीर बिल्कुल बुखार जैसा हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि कल इतने सारे कपड़े धोए, आज कमरा क्लीन किया, और उसके अलावा भी सारा काम तो था ही जो करने का था वो। और यहाँ पे ही देखिए, मैंने सारे जो मेरे पास टेडी हैं उन्हें मैंने यहाँ पे धो के और सुखा दिया है। सिर्फ 2 टेडी नहीं धोए हैं जो बड़े हैं, एक तो जो बेड पे रखा रहता है वो, और एक अलमारी पे रखा रहता है वो भी काफी बड़ा है। तो सिर्फ उन्हें वॉश नहीं किया, इन्हें वॉश किया है, और इन्हें भी इनके ऐसे हो गए, ये ना सही हो जाएंगे, मतलब इस पे हल्का सा कंघी मारूंगी ना सुबह तो ये एकदम ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पर कर देती हूँ, एंड कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मतलब कल मिलेंगे किचन क्लीनिंग के साथ। तो मैं अपने किचन को क्लीन भी करूंगी और छोटा सा उसका करूंगी मैं मेक ओवर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ प्लीज प्लीज यार, वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब करो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीडियो देखे और चैनल सब्सक्राइब ना करे, ठीक है। और अगर हाँ अब चैनल सब्सक्राइब करे तो बेल आइकन तो जरूर जरूर दबा लेना, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। और जिसने मेरी यहाँ तक ये वीडियो देखी है उसको तहे दिल से शुक्रिया। तो बाय, टाटा, गुड नाइट।